त्योहार आने वाला था। लोग रमजान की खुशियों को लेकर बाजार में काफी चहल पहल कर रहे थे। अम्मी जान, कल से रमजान शुरू हो रहे हैं ना, हमें सहरी में उठा देना। ठीक है मेरे बच्चों। अम्मी जान, सहरी के वक्त हमें पराठा बनाना। हाँ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अम्मी जान के लिए, हमारे लिए आप खजला फेनी लेकर आना। ठीक है मेरे बेटे, मुझे पता है तुम्हें फैनी बहुत पसंद है ना। पापा, आप देखना, इस बार रमजान में मैं पूरे 5 कुरान पढ़ूंगा। माशाल्लाह मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे। अजान का वक्त होने लगता है और शैतान के कानों पर अजान की आवाज पड़ती है। मेरा जीना मुश्किल हो जाता है, मेरे अंदर आग लगने लगती है। उधर सब लोग सहरी के लिए उठते हैं। बीबी सकीना, अरे उठिए, सहरी का वक्त हो गया है, उठ जाइए, सबके लिए सहरी बना दीजिए। ठीक है जी। सकीना सहरी के लिए खाने का सामान बनाने लगती है और सब लोग सहरी करते हैं। अम्मी जान के हाथों में तो जादू है जादू। अप्पी जान, आप भी अम्मी जान की तरह खाना बनाना सीख लीजिए ना, ताकि कल आपको शादी करके दूसरे घर भी तो जाना है ना। हाँ जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। सकीना अब्दुल्ला हंसते हैं। बच्चे कितना लड़ते हैं, उनकी लड़ाई भी हमें दिल को सुकून पहुंचाती है। ठीक कहा आपने जी। सहरी का समय खत्म होने में 5 मिनट बचे हैं। आप सब हजरत से गुजारिश है कि जल्द से जल्द सहरी करके मस्जिद में पहुँचे। तभी फजर की अजान होती है और सब लोग मस्जिद पहुँचते हैं और नमाज पढ़ते हैं। सकीना और मरियम भी नमाज पढ़ते हैं। तभी सभी लोग नमाज पढ़कर कुरान पढ़ते हैं। कुरान पढ़ने के बाद सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। राहिल स्कूल जाने के लिए तैयारी करता है। अच्छा तो बेगम, मैं जा रहा हूँ, अगर आज काम मिल गया तो शाम को कुछ फल फ्रूट जरूर लेकर आऊँगा। इंशाल्लाह आपको काम आज मिल जाएगा। रमजान का पाक महीना शुरू हुआ है तो अल्लाह किसी को भी मायूस नहीं होने देगा। सकीना भी लोगों के घरों में काम किया करती थी और अब्दुल्ला भी मेहनत मजदूरी किया करता था, लेकिन कुछ दिनों से उनके घर की हालत ठीक नहीं थी और जो घर में पैसे रखे हुए थे वो भी धीरे धीरे खर्च हो रहे थे। तभी अब्दुल्ला शाम को आता है। क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों? सकीना, आज भी कोई काम नहीं मिला। ये लो, थोड़े से फ्रूट लेकर आया हूँ, बच्चों को दे देना, रोजा खोलने के समय काम आएंगे। शाम को मगरिब की अजान होती है और सब लोग रोजा खोलने लगते हैं और जो थोड़ा घर में होता है वो खाकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। सकीना, मुझे फिक्र हो रही है, मेरा कई दिनों से काम नहीं लग रहा है और जो घर में पैसे रखे हैं वो धीरे धीरे खर्च हो रहे हैं। रमजान के बाद ईद भी तो है, कैसे मैं अपने बच्चों के लिए नए कपड़े बनवाऊंगा, कैसे उनके लिए सारी नई चीजें लेकर आऊंगा। फिक्र ना करिए, अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको रमजान में ही कोई काम मिल जाएगा इंशाल्लाह। तभी राहिल आता है। बाबा जान, इस बार मुझे नया कुर्ता पैजामा ला कर देना। हाँ हाँ ठीक है मेरे बेटे। एक दिन मरियम कुरान पढ़ रही होती है। इबलीस शैतान अपनी दिव्य शक्तियों से मरियम को कुरान पढ़ते हुए देखता है तो वो मरियम के पूरे घर को हिलाने लगता है। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है, ये पूरा घर हिल क्यों रहा है, क्या भूकंप आ रहा है? या अल्लाह हमें बचाओ, अम्मी जान कहाँ हो, पूरा घर हिल रहा है। बेटी मरियम, कुरान को गिरने मत देना, कुरान को पकड़ो, अपने सीने से लगाओ। तभी मरियम जल्दी से कुरान को उठाती है और कुरान को गिरने से बचाती है। कुछ देर के बाद इबलीस शैतान घर को रोक देता है। ये तो अभी ढेला है, फिर तो बाकी है मेरे दोस्त। बाबा जान, अम्मी जान,
ये क्या था? ना तो भूकंप था, फिर ये क्या हुआ? अभी ये क्या हो रहा है? पूरा घर, धरती क्यों हिल रही थी? पता नहीं बेटा, अल्लाह अपना रहम करे। बाबा जान, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं बेटा, बस अल्लाह ताला से दुआ करो कि ये मुसीबत जल्दी से दूर हो जाए। सब लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत अदा फरमा। कुछ देर के बाद सब ठीक हो जाता है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया है। फिर अगले दिन राहिल कुरान पढ़ रहा होता है तो शैतान कहता है कि अब तो मैं इस कुरान को ही चुरा लेकर जाऊंगा। शैतान कुरान की तरफ बढ़ता है तो उसे जलन महसूस होने लगती है। ये क्या, कुरान को चुरा क्यों नहीं पा रहा हूँ मैं? मुझे ये कौन सी ताकत रोक रही है और मुझे इतनी जलन क्यों हो रही है? वो शैतान आग में जलने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी वो अपने बड़े शैतान दज्जाल के पास जाता है। अगर मैं कुरान नहीं चुरा सका, आखिर क्यों? क्यों वो कुरान नहीं चुरा सका? क्योंकि हम सब एक शैतान हैं और वो अल्लाह की किताब है। शैतानों के लिए उसमें आग है और इंसानों के लिए उसमें रहमत है। हम चाहकर भी उसे नहीं चुरा सकते। हम लोगों को कुरान पढ़ने से कैसे रोकोगे? उसके लिए एक खेल खेलना होगा हमें। हमें किसी एक नेक इंसान को ढूंढना होगा जो हमें कुरान खुद ला कर दे। ऐसा कौन करेगा? मैं तुम्हें बताता हूँ कुरान तुम कैसे चुरा सकते हो। जब वो छोटा बच्चा राहिल पढ़ रहा होगा तो तुम एक बच्चे का रूप लेकर उसके पास जाना, उससे कहना कि वो मुझे भी कुरान पढ़कर सुनाए और उससे बोलना कि वो मेरे घर आकर मुझे कुरान पढ़ाए। समझ गया मेरे आका। वो शैतान एक बच्चे का रूप लेकर राहिल के पास पहुंचता है। राहिल अपने घर में कुरान की तिलावत कर रहा होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तभी शैतान बाहर दरवाजा खटखटाता है। कौन है दरवाजे के बाहर? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अरे मेरे दोस्त, आ जाओ, मैं अंदर ही हूँ। तभी वो घर में आ जाता है। तुमने रोजा रखा है? हाँ भाई, मैंने तो रोजा रखा है, लेकिन मैं कुरान नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि मेरे घर में कुरान ही नहीं है। क्या, अल्लाह का कुरान तुम्हारे घर में नहीं है? अरे ऐसा कैसे कह रहे हो? हर एक मुसलमान के घर में कुरान होना ही चाहिए ना भाई। कुरान नहीं तो फिर अल्लाह की रहमत नहीं। तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमत कैसे आएगी? मैं बहुत गरीब हूँ। अच्छा, तो चलो मैं तुम्हें आज एक नया कुरान दिलाता हूँ। शैतान के इरादे कामयाब होने वाले थे और वो कहता है, ठीक है भाई, मुझे एक नया कुरान दिला दो और मुझे पढ़ा भी देना। ठीक है। राहिल शैतान दोस्त को कुरान दिलवाने के लिए बाजार जाता है। दुकान पर बहुत सारे अच्छे अच्छे कुरान रखे थे। भाईजान, ये कुरान कितने का है? बेटा ये 100 रुपए का है। ये कुरान मुझे दे दीजिए। राहिल कुरान लेता है और अपने दोस्त को हाथों में देने लगता है, लेकिन शैतान उसे कैसे ले सकता था तो उसने अपने हाथों को गंदा कर दिया। भाई मेरे हाथ गंदे हो रखे हैं, तुम क्या मेरे घर तक चल सकते हो? वहाँ कुरान रख देना और फिर अपने घर चले जाना। अच्छा ठीक है भाई, चलो। राहिल कुरान लेकर शैतान के घर में जाता है। ये कैसा अजीब सा घर है तुम्हारा, ये तो कोई गुफा लग रही है। हाँ भाई, मैं बहुत गरीब हूँ ना, और मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, तो मैं इसी गुफा में अपना गुजर बसर कर रहा हूँ। हाँ चलो ठीक है, मैं ये कुरान यहाँ रख देता हूँ। अच्छा तो मैं अब घर जा रहा हूँ, मेरे बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त। या अल्लाह, ये कैसी आवाज थी? राहिल पीछे मुड़कर नहीं देखता और घर चला जाता है और घर जाकर दरवाजा खटखटाता है।
अम्मी जान दरवाजा खोलिए। आ रही हूँ बेटा। अम्मी जान मेरा कुरान मुझे दे दीजिए, मुझे कुरान पढ़ना है। बेटा कुरान तो तुम लेकर गए थे। नहीं अम्मी जान, मैं कुरान लेकर नहीं गया था। कुरान तो घर में है ही नहीं, कहाँ चली गई? कुरान कहीं अप्पी जान तो नहीं पढ़ रही? अप्पी जान क्या तुम मेरा कुरान पढ़ रही हो? नहीं भाई, मैं तो कुरान नहीं पढ़ रही, मैं तो किचन में काम कर रही हूँ। तभी मरियम पास जाकर देखती है कि क्या मांजरा है। क्या हुआ भाई जान? अप्पी जान कुरान मिल नहीं रहा है, मैं यहीं रख कर गया था। तभी बाहर से कुछ लोगों की कुरान गायब होने की आवाज़ आ रही थी। सब लोग बाहर जाकर देखते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ भाईजान? भाईजान हमारे घर के कुरान गायब हो गए हैं। या अल्लाह ये कैसा मंजर है, कहीं कयामत तो नहीं आने वाली? क्योंकि जब कयामत आएगी तो अल्लाह ताला अपनी पाक किताब को इस दुनिया से उठा लेगा। अम्मी जान क्या हम सब मरने वाले हैं? पता नहीं बेटा, पूरे गांव से कुरान गायब होने की खबर आ रही थी। सब जगह गांव में कुरान गायब हो चुका है, क्या कयामत ही आने वाली है? बच्चों गुनाहों से तौबा कर लो, पता नहीं कब कयामत आ जाए। लेकिन सब इस बात से अनजान थे कि ये काम इबलिश शैतान का था, जिसने बड़ी चालाकी से कुरान को चोरा लिया था। तभी हाथ उठाकर सब लोग अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें हमारा कुरान वापस दे दे, या अल्लाह हम गुनहगारों पर अपनी रहमत बरसा। तभी आसमान में बिजली कड़कती है और तेज हवाएं चलने लगती है और उस शैतान की गुफा पर एक रोशनी पड़ती है और अल्लाह ताला अपने कुरान में इतनी ताकत कर देता है कि उसकी रोशनी से उस गुफा को तहस नहस कर देता है और कुरान उड़ता हुआ आसमान में आ जाता है और लोगों के घरों में पहुँच जाता है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ये काम तो किसी शैतान का लग रहा है। शैतान हवा में उड़ता हुआ आसमान में लटक जाता है और शैतान को गांव के सारे लोग देखते हैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है और तेरा अजब इस शैतान पर नाजिल हुआ जिसने कुरान चुराने की कोशिश की थी। अल्लाह तू बड़ा ही रहीम और करीम है। या अल्लाह हमें पूरे रोजे रखने की ताकत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि आप कितने वक्त कुरान पढ़ते हैं।